एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं इस पार्टी को। एंड इस पार्टी को एंजॉय करने के दौरान यहाँ पर ये छोटा बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है इन सभी चीजों को लेकर। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जहाँ पर वो लड़की उससे बात करती है। एंड इन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये लड़की वहाँ पर एंट्री लेती है एंड इसका बोलने का तरीका काफी ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है, सिवाय इस ड्रैगन गर्ल के। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका वाला चल रहा है, जहाँ पर जेम एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। एंड उस दौरान यहाँ पर उसे पता चलता है कि यह लड़की एक जगह पर जा रही है। एंड तभी इस लड़की को एक हाथ अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसे जेम देखता है। एंड जेम इस चीज को देखकर थोड़ा शॉक में होता है कि अभी हुआ क्या यहाँ पर। तभी हमें दिखाया गया है निक को, एंड निक उस छोटे बच्चे के साथ घूम रहा होता है। एंड यहाँ पर वो बताता है कि मुझे एहसास हुआ कि जेम खतरे में है। एंड वाकई में जेम खतरे में होता है, जहाँ पर वो लड़की उसे पकड़कर उसकी एनर्जी को सोखने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि लड़की इनविजिबल है एंड इस पर कोई भी तरह का अटैक काम नहीं करता। लेकिन तभी ये बच्चा, जो कि मेरे को नाम इसका भूल चुका है, एंड ये एक तरह का स्वॉर्ड भी है मैं पहली बता दूं, जहाँ पर ये अटैक करता है। एंड ये लड़की उससे बचने के लिए उस मैजिक चीज का यूज करती है, यानी कि वो इनविजिबल गर्ल। वहीं पर हमें जेम को दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और डरा हुआ। एंड इसके बाद उसे ले जाया जाता है एक जगह पर, जहाँ पर वो खुद को हील भी करता है एंड इस लड़की को उस घर के अंदर भी छोड़ता है, जहाँ पे निक भी आया होता है एंड इस लड़की की प्रोटेक्शन भी ये लोग कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इनका फ्यूचर आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर पे हमें पता चले कि क्या होने वाला है। यहाँ पर जेम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है उस लड़की को लेकर कि वो उसे जानता है, शायद वो आज सुबह ही उससे मिला है। और इस चीज को देखते हुए वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी रहता है कि हमें इस लड़की की प्रोटेक्शन करनी ही चाहिए, और जहां हमने सोचा है इसे वहां भेज देते हैं। इस चीज को सुनकर ये लड़की भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एंड यहां पर ये लड़की ओवर एक्साइटेड के चक्कर में वो सबकी मदद लेना चाहती भी थी, क्योंकि यही लोग हैं जो इसकी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद वो बच्चा भी बोलता है ठीक है हम चलेंगे। वहीं पर हमें देखने को मिलता है काफी बड़े शहर को, जो कि गर्मी की छुट्टियां मना रहा होता शायद से। एक्चुअली में ये शहर काफी ज्यादा वीराना है एंड यहाँ के रह रहे लोग भी काफी ज्यादा आलसी दिखाए गए हैं। एंड इस आलसी भरी जिंदगी में यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरोइक्स की, एफिको हीरोज की, जो कि यहाँ पर आए होते हैं एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए। एंड ये वो अपने इस मिशन को पूरा करना चाहते थे। एंड हमें उसकी फोटो भी देखने को मिलती है, जहाँ पर वो सभी लोग इस चीज को देखते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे पकड़ेंगे। एंड यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, जिस पर एक ब्लैक मैन जो होता है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है एंड ये एक तरह के चैलेंज को भी इन्हें दे डालता है। इस पर टियाना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो वहां पर एक शराब की पार्टी टाइप की दे देती है एंड वो कहती है कि सब लोग इंजॉय करो। इस चीज को देखकर ब्लैक मैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड इस चक्कर में आसपास काफी ज्यादा शोर भी सुनाया गया है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि काफी वीराने घर पे हैं एंड यहाँ पर की सारी चीजें काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, लोग आलसी हो चुके हैं और लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं है। जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति इनसे ये बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं एंड वो बताते हैं कि नहीं वो यहाँ पर नहीं रहता। एक्चुअली में इन सबकी एक चाल होती है जिससे वो इन सभी हीरोज को बाहर भेज दे, या फिर कोई सर्वाइवर टीम को ही, लेकिन सर्वाइवर टीम उनकी बात नहीं मानती और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जिस पर ये व्यक्ति उन्हें पीछे से काफी देर से घूर रहा होता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उन्हें बताता है कि वो शायद उस तरफ नहीं इस तरफ होगा। एंड इन दोनों की इस बात को देखकर और सुनकर थोड़े से शॉक में भी होते हैं कि अभी तक तो ये कुछ बताना ही नहीं चाहते थे और अब फाइनली बताने पर उतर आए हैं। यहाँ पर हमें चार मेंबर्स भी दिखते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन निक और उसकी टीम काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो काफी इजीली बीट अप कर देते हैं। एंड यहाँ पर ड्रैगन गर्ल ने उन दोनों व्यक्तियों के सर ही भिड़ा दिए थे, जहाँ पर वो व्यक्ति निक को कहता है कि तुम जा सकते हो, वैसे तुमने मुझे हराया है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा पावरफुल हो। एंड ये यहाँ पर उनकी तारीफ करके बचना चाहता था। तभी जेम उसे कहने के लिए कुछ देता है एंड वो कहता है तुम ये जो चीज काम कर रहे हो काफी ईमानदारी से करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद हमें दिखना है मिलता है कि लोग एक जगह से होते हुए एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं। एंड इस कमरे में जाने के पहले यहाँ पर निक पूछता है उस छोटे बच्चे से कि क्या हुआ। इस पर वो बताता है कि उस कमरे के अंदर कोई है
एंड हमें वो बंदा मिल जाता है एंड इस बंदे को भागने की काफी जल्दी होती है जो कि यहाँ पर भी कुछ देर पहले सेक्स कर रहा होता है। फाइनली यहाँ पर ये ब्लॉन्ड व्हाइट हेयर वाला बच्चा आता है एंड उसे पकड़ लेता है एंड ये कहते हुए कि ये स्वॉर्ड है जबकि उसने उंगली रखी थी। एंड इसके बाद उसे जब पकड़ के ले जाया जाता है तभी एक बूढ़े व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि उस व्यक्ति के सेंसेई होते हैं, टीचर होते हैं, जो कि वहाँ पर उसे कहते हैं कि इस बच्चे को छोड़ दो। वैसे ये मेरा स्टूडेंट है लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कि इन्हें लगता है कि इसने कुछ जुर्म किया है। एंड यहाँ पर उन लोगों के बीच में थोड़ी देर तक बहस चल रही होती है। इस बहस में यहाँ पर जो सेंसे होता है वो उन्हें ले जाने देता है एंड यहाँ पर वो बच्चा भी काफी जोर जोर से हंसता है जिसे देख कर ये लोग शॉक में होते हैं। वेरीफाइड कर दिया जाता है इस जगह को, इस व्यक्ति को। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिस पर ब्लैकमैन बोलता है कि तुमने ये धोखे से कर लिया होगा, वैसे मैं नहीं जानता। एंड इसके बाद वो उसके पैसे को टियाना ले लेती है एज अ शर्त कि वो जीत चुकी थी एंड सभी को इसी पैसे का पार्टी ऑफर कर देती है, जिस चीज को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं सिवाय ब्लैकमैन के। एंड इसके बाद एक बार और शोर सुनाई जाता है हमें। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अगले नेक्स्ट मॉर्निंग उस काली बिल्ली या फिर कौन जो ब्लैक लेडी कैट होती है उसके सर में दर्द होता है एंड यहाँ पर काफी सारे रिक्वेस्ट लेटर टाइप की चीजें पड़ी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया उस लड़की को जिसके सर में अभी भी दर्द होता है एंड वो दर्द इस लड़की की वजह से हो रहा है। मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इनके आने की वजह से हो रहा हो। निक पूछता है कि हमें क्या उस लड़की से बात करनी चाहिए, जहाँ पर निक की पूरी टीम ये बोलती है साथ ही साथ ड्रैगन गर्ल भी कि उसे उस लड़की में काफी अजीब सी स्मेल आ रही है एंड ये चीज उसके लिए घबराने वाली है। निक कहता है कि ठीक है, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है एंड ये ग्रीन हेयर वाली गर्ल के साथ बात करने के लिए वहां से अकेला छोड़ दिया जाता है। एक चीज नोटिस करने की थी कि टियाना गेट पर खड़ी हो जाती है जिससे ये लड़की भाग ना सके एंड यहाँ पर क्योंकि हमारे निक ने इसे पकड़ लिया था कि ये वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले अटैक किया था, इसलिए वो उस जगह को तोड़कर वहां से भाग जाती है एक होल करके एंड एपिसोड वहीं पर। गाइस अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जो मेरे न्यू चैनल्स हैं प्लीज जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दे दी है। थैंक यू।